हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। जैसा कि थंबनेल को आपने रीड किया होगा, देखा होगा, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का 2 साल से अभी वेटिंग में है, आपको पता होगा, और लाखों छात्र इस भर्ती का जो है इंतजार में बैठा हुआ है। इसी बीच बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष का एक बड़ा बयान जारी हुआ है दरोगा भर्ती को लेकर के। लगभग आपको पता होगा, ये ऑलमोस्ट जो है 9400 के आसपास ये पदों की संख्या है दरोगा भर्ती को लेकर के। अब नवंबर में संभवतः आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। क्या अपडेट है इसके सामने, पूरी खबर विस्तार से लेंगे, जानेंगे हम लोग। उससे पहले चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की पल पल की खबर आप तक राहुल वाईफाई स्टी चैनल के माध्यम से पहुँचाई जा सके। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे और लेते हैं पूरी जानकारी यहाँ से। खबरें यहाँ से आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 94 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती परीक्षा जनवरी में। इसका मतलब नवंबर में ही आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और ठीक एक महीने बाद, जैसा कि आपको पता होगा, दिसंबर में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है, जो आपकी घुड़सवार की परीक्षा है, उसके बाद जो है सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कराई जाएगी। तो संभवतः आपका नवंबर में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा दिवाली के बाद। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी खबर, ये लखनऊ से खबर है। प्रदेश में 9400 पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती जल्द होगी। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड इसके लिए जनवरी में परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा जनवरी में आयोजित नहीं कराया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है, पेपरबाजी है, इस चीज़ को आप लोग जानते रहिए। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि इस भर्ती टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब शासन से आगे की प्रक्रिया के लिए अनुमति मांगी जा रही है। बोर्ड इसके लिए बृहस्पतिवार तक शासन को पत्र भेजेगा, यानी आज शासन को पत्र भेजा जाएगा और शासन से अनुमति के बाद अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन हासिल होने तथा उनका परीक्षण करने में तकरीबन 1 माह का समय लगेगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आपकी कराई जाएगी, CBT परीक्षा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। विश्वकर्मा ने बताया कि भर्ती परीक्षा जनवरी के पहले पखवाड़े में कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उप निरीक्षक मिनिस्ट्रियल के लगभग 3000 पद और जेल वार्डन व फायरमैन के 3000 से अधिक पदों भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। इनमें घुड़सवार पुलिस के भी पद शामिल हैं। आज शासन के पास भेजी जाएगी पूरी लिस्ट और शासन से अनुमति मांगी जाएगी और उसके तत्काल बाद आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, जो संभवतः अब दिवाली के बाद ही हो पाएगा। सब चीज़ों का 1 महीने के ऑलमोस्ट आपका ऑनलाइन आवेदन चलेगा, उसके बाद परीक्षा जो है जनवरी के प्रथम पखवाड़े की बात की जा रही है। तो आप लोग इस चीज़ को जान लीजिए, प्रथम पखवाड़े तक मुश्किल होगा, उसके बाद ही ये परीक्षा आपकी आयोजित कराई जा सकती है। चीज़ें इतनी आसान नहीं हो पाएंगी, जिस प्रकार से आपको पता होगा 2 साल से दरोगा भर्ती आ रही है। तो एक बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए, 9400 इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए, सब इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए आज 12 नवंबर को ये खबर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।